गूगल पे बहुत तेजी से सर्च की जा रही है कोलकाता की लेडी डॉक्टर के पोर्न वीडियो। करीबन 22 मिनट बाद वो बेयक्ति फिर से फोन करता है और बोलता है, आपकी बेटी आत्महत्या कर लिया है। लेडी डॉक्टर को लगातार 48 घंटे तक काम करने के लिए क्यों कहा गया था, और जब डॉक्टर की शव मिला उसके 2 दिन बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा क्यों दे दिया। दोस्तों, गूगल पे बहुत तेजी से सर्च की जा रही है कोलकाता की लेडी डॉक्टर के पोर्न वीडियो। जरा सोचो दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे भी मानसिकता वाले लोग रहते हैं जहां उस माँ बाप की बेटी की बेरहमी से हत्या दी गई है, माँ बाप की आंसू तक नहीं रुक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घटिया मानसिकता वाले लोग गूगल पे डॉक्टर के पोर्न वीडियो सर्च करने में लगे हैं। बताओ, ऐसे भी लोग हमारे देश में रहते हैं। दोस्तों चलो, पूरी बात क्या है मैं बताता हूँ। 9 अगस्त 2024 सुबह के 10 बज रहा था, तभी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया। उस फ़ोन को सुनने के बाद फ़ोन उठाने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, जो बोल रहा था कि आपकी बेटी नग्न अवस्था में मरी पड़ी हुई है, जल्दी से आ जाओ। ये बात सुनते ही उसके पिता की होश ना रहा, आंखों से खून की आंसू टपकने लगे थे और वो ज़मीन पे धदाम से गिर गए। बेजान लाश की तरह कैसे तैसे करके अपनी पत्नी के पास भाग कर गए। इस हालत में देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे। फिर उन्हें बतानी पड़ी। उसके बाद जो हाल उस माँ को हुआ वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर वो दोनों भाग कर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जो देखा वो काफ़ी दर्दनाक और भयभीत करने वाला दृश्य था। उनकी नज़रों के सामने उनकी बेटी लेटी हुई थी, जो अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ मरी पड़ी थी। ये सब देखकर वो अपनी सारी होश खो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये क्या हुआ है। बस एक मुर्दे लाश की तरह सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि मेरी बेटी अभी उठेगी, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, देखो मेरी बेटी अभी उठेगी। लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। मानो वो दोनों पागल हो चुके हों, हाँ हो भी क्यों नहीं, उनकी बेटी को इतनी दरिंदगी से मारा गया था। कुछ देर बाद उनकी बेटी की बड़ी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे हुए हैं, जो जबरन संबंध बनाने के कारण लेडी डॉक्टर के निजी अंग पर गहरा घाव पाया गया है। महिला डॉक्टर की दोनों हाथों से गला दबाकर हत्या की गई। उसके शरीर के बाहरी अंगों पर 16 जगह तो अंदरूनी भागों में 9 जख्म पाए गए हैं। लेडी डॉक्टर का दरिंदों ने लगातार गला, नाक और मुंह को दबाया रखा। इसके कारण डॉक्टर का थायराइड कार्टिलेज टूट गया। दरिंदों ने महिला डॉक्टर का सिर दीवार से सटा दिया, जिससे वह जोर से चिल्ला ना सके। पेट पर फाइट से मारा गया। इसके कारण पेट, होंठ और अंगुलियों सहित बाएं पैर पर चोट है। दरिंदों ने महिला डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी के साथ बलात्कार किया कि उसकी आंख का चश्मा टूटकर उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों से खून बहने लगा। फिर भी दरिंदे नहीं रुके और अपनी वहशियाना दरिंदगी जारी रखी, और फिर उसके निजी अंगों से भी खून बहने लगा। महिला डॉक्टर के चेहरों को नाखूनों से दरिंदों ने खुरच डाला। इससे साफ पता चलता है कि महिला ने बचने का पूरा संघर्ष किया होगा, लेकिन वहशी दरिंदों ने उसे नोच डाला। दोस्तों, मेरे ख्याल से आरोपी संजय रॉय एक अकेला कातिल नहीं है। मेरे अनुमान से प्रिंसिपल संदीप घोष भी इसमें शामिल है। उसके साथ और भी आरोपी शामिल है, जिन लोगों ने मिलकर लेडी डॉक्टर के साथ घिनौना हरकत किया। दोस्तों, जब सीबीआई ने अस्पताल के उन 4 जूनियर डॉक्टरों से भी पूछताछ किया जिन्होंने घटना से पहले लेडी डॉक्टर के साथ डिनर किया था, तो उन लोगों ने बताया कि वो हम लोगों के साथ खाना खाकर बोली कि मैं सेमिनार रूम में सोने जा रही हूँ। तभी दरिंदों ने उसके साथ गलत कर दिया। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। सीबीआई ने यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले क्या हुआ था, और घटना के समय जब वह चीखी चिल्लाई होगी तो उसके साथियों ने ज़रूर सुनाई होगा, वो उसे क्यों नहीं बचा पाए। दोस्तों, इस मुद्दे पे अभी जांच चल रही है। जैसे ही पूरा रिपोर्ट सामने आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं उस डॉक्टर की पारिवारिक गृहस्थी के बारे में। दोस्तों, उस माँ बाप की बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेश से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके
गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहां प्यार तो बहुत मिल रहा था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कोई काम या कुछ भी असंभव नहीं था। कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। वो कुछ भी करती थी तो एक जुनून के साथ। उसके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। लोगों की मदद करना उसका सपना था। इसी वजह से उसको अच्छे डॉक्टर बनने की सपना था। लेकिन दरिंदों ने उसको और उसके सपने को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। दोस्तों, डॉक्टर के पिता ने अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की और पैसे बचाए और उस बेटी में लगा दिया। उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो, रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़े। वो सोचती थी कि पापा की कमाई से नहीं, वे अपने दम पर सब चीज़ करे। वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। वो बस यही सोचती रहती थी कि घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो कभी हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब हमारे बीच में नहीं रही। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने बताया कि हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह MBBS के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाती थी। अब वो हमारे बीच में नहीं रही। कुछ राक्षस के प्रजातियों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, 9 अगस्त को 26 घंटे की बिना रुके ड्यूटी करने के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सोने के लिए गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव अर्धनग्न अवस्था में और खून से लथपथ पाया हुआ देखा तो उनके होश ना रहा। थोड़े ही देर में लोगों की भीड़ लग गई और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। उसके अगले ही दिन से लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और ये बात तेजी से सरकार की कानों में गई और सरकार ने तेजी से CBI जांच करने की अनुमति दे दी। दोस्तों, अब CBI ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कितने लोगों को चपेट दिया है, जिसमें से मेन संदीप घोष है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में CBI पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा 5 अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति ली है। 5 अन्य में 4 डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने घटना वाली रात को लेडी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। इसके अलावा एक सिविक वॉलंटियर शामिल है। CBI जघन्य घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति पहले ही हासिल कर चुकी है। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस मामले में CBI ने सबसे ज्यादा लंबी पूछताछ पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से की है। पॉलीग्राफ टेस्ट में अब CBI सच और झूठ का पता लगाएगी। CBI ने संदीप घोष से ये सारी बातें पूछ रही है। जब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई, उस रात को आप कहाँ थे? आपको घटना के बारे में किसने सूचित किया और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपने परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया था और कैसे? किसने पुलिस से संपर्क किया? माता पिता को शव देखने के लिए करीब 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया? चेस्ट मेडिसिन विभाग का साप्ताहिक रोस्टर क्या था? पीड़ित डॉक्टर को लगातार 48 घंटे तक काम करने के लिए क्यों कहा गया था? शव मिलने के 2 दिन बाद आप इस्तीफा दे दिया? आपने ऐसा क्यों किया? सेमिनार रूम का बगल वाला हिस्सा क्यों टूट हुआ है? आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी है? फिर क्यों और किसके कहने पर रिनोवेशन करवाया? आपने कलकत्ता हाईकोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने को कहा।
आपको किससे अपनी जान का खतरा है? क्या रात से गायब ट्रेनी डॉक्टर की सुबह 10 बजे तक किसी को जरूरत नहीं पड़ी? डॉक्टर की डेथ की सूचना मिलने पर आपने इस आत्महत्या क्यों बताया? डॉक्टर के माता पिता से झूठ क्यों बोला गया और देर से FIR क्यों दर्ज कराई? CBI ने इस मामले में संदीप घोष के साथ लेडी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाली संजय रॉय के सहयोगी ASI अनूप दत्ता से भी कड़ी DEG पूछताछ की है। CBI ने पूछा कि आप संजय रॉय को कब से जानते हैं? संजय रॉय आपके बैरक में क्यों और कब से रहता था? क्या आप भी उसके साथ रहते थे? क्या संजय रॉय ने वारदात वाले दिन आपसे बातचीत की थी? अगर की थी तो कितनी बार और क्या बात की थी? इसके अलावा CBI ने पूछा है कि संजय रॉय कैसी प्रवृत्ति का आदमी है? संजय राय नए ने आपको क्या इस वारदात के बारे में बताया था? क्या वारदात वाली रात में संजय ने बैरक में शराब पी थी? क्या आप भी साथ पी रहे थे? क्या संजय हिंसक स्वभाव का था? संजय का अस्पताल में क्या काम था? उसे वॉलंटियर के तौर पर क्या जिम्मेदारी दी गई थी? क्या वह अस्पताल में लाइजनिंग का काम करता था? क्या उसकी अस्पताल में मजबूत पैट थी? क्या संजय रॉय संदीप घोष को जानता था? क्या कभी संदीप घोष के बारे में संजय रॉय ने कोई जिक्र किया था? बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगी कि असली कातिल कौन कौन है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ ये दरिंदे जब पकड़े जाए तो इनके साथ क्या किया जाए।